नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये है केज जो मैंने बनाया है, इसकी जो है लेंथ है 6 फुट और जो ब्रेथ है वो है 2.6 फुट यानी कि 2.5 फुट से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये मैंने बनाया है बड़ी डक्स के लिए। इसमें फिलहाल मेरे पास 2 डक्स हैं जो कि इंडियन रनर हैं दोस्तों। इंडियन रनर जो है काफी अच्छी ब्रीड है बत्तख की, बट इंडियन रनर से पहले ब्रीड जो आती है वो आती है खाकी कैम्बेल की, क्योंकि उसका जो एग है वो ज्यादा देती है। ये थोड़े जो उसकी क्षमता में एग कम देती है दोस्तों। इसने जो है अभी तक 10 एग अंडे दिए हुए हैं, इसमें की 3 जो है इसके केज के अंदर है इसके पास, और बाकी जो इसके एग्स है वो मशीन में रखे हैं इंक्यूबेटर में। ये 3 एग है दोस्तों इसके, जो कि इसके पास है ताकि ये इनको, ये फीमेल है वो मेल है दोस्तों। तो ये इसके एग है इसके पास, जिनसे ये खुद इनको सहेगी और जो है बेबी निकाल लेगी। ये उम्मीद मेरी इससे अभी लगी है, तो इसको मैंने एग दिए हुए इसके 3। बाकी जो इसके एग्स है वो इंक्यूबेटर के अंदर है, आपको इंक्यूबेटर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये पिंजरा दिखा रहा हूँ फिलहाल मैं आपको, कि अगर आपके पास कोई बड़ा जानवर है, बत्तख है या फिर रैबिट्स हैं, रैबिट ज्यादा है आपके पास, तो आप जो है बड़ा पिंजरा अपने आराम से घर पे बना सकते हैं। कोई ज्यादा इसमें पैसे खर्च नहीं होते। इतना बड़ा पिंजरा अगर बाजार से परचेज करते हैं आपको 5 से 6 हजार या 8 हजार का पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे छोटे पिंजरे जो है वो बहुत महंगे आते हैं। तो इसको जो बनाने का खर्चा आया इस पिंजरे को, वो आया है मेरा 1600 रुपये का खर्चा दोस्तों। 1600 रुपये में पूरा पिंजरा तैयार है, और बल्कि इसमें से जो जाली है वो मेरे पास 8 फुट जाली जो है बच भी गई है इसी में से। तो मैं लाया था 40 फुट जाली, जिसमें कि 8 फुट जाली बच गई। 40 फुट जाली थी ये, 2.5 फुट चौड़ी और 40 फुट लंबी दोस्तों। तो इसमें से जो है 8 फुट जाली बच भी गई है। तो अगर 8 फीट आप कम कर देंगे तो आपके पैसे जो है और कम हो जाएंगे, तो आपको ये समथिंग 1000-1200 के करीब पड़ जाएगा पिंजरा दोस्तों। वैसे ही जाली जो पड़ी है 1600 रुपये पड़ी है, और इसको मैंने 2 घंटे में तैयार कर दिया इस पिंजरे को। तो अच्छा बड़ा पिंजरा है, आप इसमें रैबिट रख सकते हैं। कम से कम इसके अंदर आप रैबिट रख सकते हैं 20 या 25 रैबिट इसके अंदर आराम से आ जाएंगे, खुले रहेंगे बिल्कुल। और अगर आप डक्स रख रहे हैं बड़ी वाली, तो इसके अंदर आप रख सकते हैं कम से कम 8 से 10 डक बड़े आराम से इसके अंदर आएंगी। और अगर आपके डक के बेबी हैं, जैसे कि मेरे पास खाकी कैम्बल्स के बेबी हैं, तो ये तो आप 20 से 25 रख सकते हैं इस केज के अंदर। और अगर आपके पास मुर्गियां हैं तो भी आप मुर्गी के जो बेबीज हैं 20 से 25 या 30 तक इस केज के अंदर आराम से दोस्तों रख सकते हैं। तो इस केज को बनाने में सिर्फ आपकी जो है 1600 रुपये कीमत लगेगी, 2 घंटे का टाइम, और आराम से आप तो इजिली घर बना लेंगे। क्योंकि बाजार से अगर आप इसको खरीदे आपको लाने में दिक्कत आएगी पहले, तो फिर आपको अपने जहां पर आपको सेटअप पे रखना होगा वहां रखने में दिक्कत आएगी, और दूसरा आपको जो है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको जाली लेके बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अपने आराम से जैसे आपको बनाना है जितने आपको गेट्स बनाने हैं इसमें बना सकते हैं। मैंने 2 गेट बनाए हैं, एक जो सामने गेट है और एक इसका उस तरफ गेट है नेक्स्टिंग के लिए, नेक्स्टिंग होटल चेंज करने के लिए। तो आप जितनी मर्जी ऊपर गेट बना लें, नीचे गेट बना लें, बीच में एक और जाली डाल के इसमें 2 हिस्से कर लें इसके, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो आप ऐसा पिंजरा जो है घर पर बना सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं दिखा देता हूँ इसके जो एग हैं मेरी डक्स के, 3 एग तो उसके नेक्स्ट में है, और जो बाकी एग्स है वो है इंक्यूबेटर के अंदर। ये देखिए दोस्तों, ये इंक्यूबेटर के अंदर इसके एग मैं आपको दिखा देता हूँ। टेम्परेचर जो है इंक्यूबेटर का भी है 37.5, फैन चल रहा है, और ये है इसके एग जो कि रखे हुए हैं अभी हमने इंक्यूबेटर के अंदर। तो आपको इसकी वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि घर पे आप इंक्यूबेटर कैसे तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।